हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी और ट्रेंडिंग फैशन के बारे में। हम सब जानते हैं कि मेकअप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है लिपस्टिक। जी हां, आप पूरा मेकअप कर लीजिए, लेकिन अगर आपने जब तक लिपस्टिक अप्लाई नहीं किया ना, तब तक मेकअप आपका पूरा अधूरा अधूरा सा लगता है। पर ऐसा हम सब लड़कियों के साथ होता है कि लिपस्टिक का शेड जब भी हम पिक करते हैं, एक तो बहुत सारी लिपस्टिक अगर आपके सामने रख दी जाए तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा लिपस्टिक शेड हमारे ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, किन कपड़ों के साथ हम वो लिपस्टिक मतलब किन कपड़ों के साथ कौन सा शेड हम पहने कि अच्छा लगे। तो अक्सर हम लिपस्टिक का शेड चुनते वक्त ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, कौन सा फ़ाइनल करें कौन सा नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपका यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसी लिपस्टिक शेड्स की जो हर स्किन टोन के साथ जाता है और पेज जग हो के आप वेस्टर्न वेयर के साथ, इंडिया वेयर के साथ, मतलब किसी भी कपड़ों के साथ हम मिक्स एंड मैच करा पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहला और सबसे अच्छा जो लिपस्टिक शेड मुझे लगता है वो है मरून रेड। जी मरून रेड कलर जो होता है वो इंडियन आउटफिट अगर आपने पहना है या वेस्टर्न आउटफिट, आपका कोई भी इंडियन और वेस्टर्न दोनों आउटफिट के साथ बहुत ही परफेक्टली जाता है। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा बोल्ड लुक देना, थोड़ा आपको ग्लैमर ऐड करना है, तो आप इसका ना मरून रेड का जो ग्लॉसी कलर आता है उसको पिक कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉर्मल रहना है तो आप मरून रेड को पिक करिए, किसी भी इंडियन या वेस्टर्न आउटफिट किसी के साथ, दोनों के साथ ही आप पिक कर सकते हो, अच्छा लगता है। लेकिन आपको बोल्ड, थोड़ा सा बोल्डनेस ऐड करना है, थोड़ा सा ग्लैमर ऐड करना है, तो आप ग्लॉसी वाला मरून रेड पिक कर सकते हैं। सेकेंड टाइप के लिपस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो वो है शाइनी पर्पल। जी हाँ, पर्पल का नाम सुन के आप ये मत सोचिए कि हर किसी के साथ नहीं जाएगा। एक्चुअली पर्पल कलर का जो शेड है लिपस्टिक का, वो हर स्किन टोन के साथ जाता है और हर एज ग्रुप के साथ जाता है। कोई फिक्स एज ग्रुप नहीं है कि इसी एज के लोग लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड मेकअप लेना है, रात के किसी फंक्शन में आप जा रहे हो और आपको थोड़ा सा बोल्ड लुक लेना है, तो आप यकीन मानिए आपके लिए शाइनी पर्पल कलर का जो शेड है लिपस्टिक का बहुत परफेक्टली आपको एक अच्छा और बहुत ही ग्लैमर लुक दे देगा। और शाइनी पर्पल कलर जो है वो आपको एक क्लासी और बहुत ही हाइलाइटेड लुक देगा। मींस 10 लोगों के बीच में आपका अलग ही शेड दिखेगा। मीन्स आपका पूरा लुक जो है ना इतना परफेक्ट लगेगा और बहुत ही क्लासी लुक देगा। नेक्स्ट शेड की मैं बात करूँ तो वो है न्यूड ग्लॉस शेड। जी हाँ, अगर आपने बहुत सिंपल मेकअप करना है प्लस आपको बहुत क्लासी भी दिखना है, तो आप न्यूड कलर की लिपस्टिक पिक कर सकते हैं। आजकल न्यूड शेड ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी आप इंडियन लुक के साथ ले सकते हो। अगर आप साड़ी पहन रहे हो, इवन ट्रेडिशनल कुछ आप ले रहे हो तो साड़ी पहन रहे हो, ब्राइट कलर की साड़ी है, ब्राइट आई मेकअप आपने किया है, तो आप न्यूड कलर पिक कर सकते हैं। आपको थोड़ा ग्लॉसी भी लगना है, सिंपल भी लगना है, तो आपका जो लिप्स है वो ग्लॉसी कलर का आप पिक कर सकते हो। इसमें रोज न्यूड कलर जो होता है ना, आप वो भी पिक कर सकते हो, तो वो आपके लिप्स को बहुत ही नेचुरल लुक देगा और बहुत ही क्लासी लुक देगा। तो आप न्यूड कलर भी पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट कलर की मैं बात करूँ तो वो है पीच पिंक कलर। जी हाँ, पीच पिंक कलर भी हर स्किन टोन के साथ जाता है और बहुत ही स्मार्ट सा लुक आता है। जो पीच पिंक कलर है ना, ये किसी भी आउटफिट के साथ आप लगा सकते हैं। आपको थोड़ा सा गर्लिश लुक देना है ना, तो पीच पिंक कलर आप बेझिझक पिक कर लीजिए, लगा लीजिए, बहुत ही स्मार्ट सा लुक आ जाएगा और बहुत ही फेमिनिन लुक देगा, प्लस आपको बहुत ही नेचुरल लुक देगा। लिपस्टिक आपने जब भी अप्लाई करना है, आप हमेशा अपने लिप्स को थोड़ा सा स्क्रब कर लिया करिए, ताकि आपके जो डेड स्किन है वो निकल आए। उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइज़र या लिप बाम यूज़ करिए। लिप बाम यूज़ करने के बाद ही आप लिपस्टिक लगाया करिए, तो उससे ग्लॉसी सा लुक आएगा और बहुत ही फ्रेश सा लुक आएगा। तो आपको आप ये पीच पिंक कलर भी पिक कर सकते हैं, किसी भी आउटफिट के साथ बेझिझक आप इसको लगा सकते हैं और बहुत ही फ्रेश सा लुक आपको देगा। नेक्स्ट लिपस्टिक शेड की बात करूँ तो वो है लाइट ब्राउन कलर। जी हाँ, ब्राउन कलर ना हर स्किन टोन के साथ जाता है। स्पेशली अगर आपने थोड़ा नेचुरल मेकअप करना है, आपने फॉर्मल लुक ले रखा है फॉर्मल वेयर के साथ, तो ब्राउन कलर ना बहुत ही स्मार्टली जाता है। आप लाइट ब्राउन भी पिक कर सकते हो। डार्क ब्राउन थोड़ा सा बोल्ड लुक देता है, तो आप डार्क ब्राउन तो नहीं, लेकिन अगर लाइट ब्राउन आप पिक करते हो तो हर स्किन टोन के साथ जाता है, प्लस आपको फॉर्मल लुक देता है। नेचुरल मेकअप के साथ तो बहुत ही परफेक्ट लुक आपको देगा, स्पेशली अगर आप पार्टी में जा रहे हो
ऑफिस की पार्टी में जा रहे हो, थोड़ा सा फॉर्मल लुक चाहते हो, थोड़ा सा डिसेंसी लाना चाहते हो अपने पूरे लुक में, तो आप ब्राउन कलर मीन्स लाइट ब्राउन कलर अपने नेचुरल मेकअप के साथ पिक कर सकते हो। बहुत ही स्मार्ट सा, बहुत ही सुंदर सा लुक निकल के आएगा। तो आप चाहे तो कॉटन की साड़ी के साथ या जो भी थोड़ा सा आपने फॉर्मल लुक लिया है उसके साथ आप ब्राउन कलर जो है लाइट ब्राउन कलर पिक कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। नेक्स्ट मैं शेड की बात करूँ लिपस्टिक के, तो वो है हॉट पिंक। जी हाँ, हॉट पिंक कलर जो है ना आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके साथ सबसे अच्छी बात है ना, आपने पार्टी वेयर लुक ले रखा है, आपने फॉर्मल लुक लिया है, आपने नेचुरल लुक लिया है, कोई भी मेकअप आपने किसी भी टाइप का मेकअप किया है और आप अपने लिप्स को थोड़ा सा बोल्ड थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप ना हॉट पिंक कलर लगा सकते हैं। हॉट पिंक के साथ ना कोशिश करिए कि मेकअप को थोड़ा सा मिनिमम कर लीजिए, क्योंकि आप अपने लिप्स को हाईलाइट कर रहे हैं तो क्या होता है, हॉट पिंक कलर जो होता है ना वो अपने आप ही लोगों का जो वो अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है, जैसे वो कलर ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जब आपके लिप्स हाईलाइट हो रहे हैं तो आपके बाकी मेकअप को आप मिनिमम ही रखिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा बैलेंस बन जाता है और बहुत ही स्मार्ट सा लुक आता है। हॉट पिंक आपको बोल्ड लुक में भी चलता है, एथनिक वेयर में भी चलता है, फॉर्मल वेयर में भी चलता है, तो आप किसी भी लुक के साथ ये हॉट पिंक कलर लगा सकते हैं। हॉट पिंक लिपस्टिक आप अपने मेकअप में ना जरूर ऐड करिए, ये बहुत ही वर्सेटाइल होता है। जब कोई भी शेड आपको समझ में नहीं आए आप हॉट पिंक कलर का लिपस्टिक उठा के लगा सकते हैं, किसी भी आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट लिपस्टिक की मैं बात करूँ तो वो है डार्क रेड कलर। जी हाँ, एवरग्रीन हर किसी की चॉइस, स्पेशली अगर आप मिनिमम लुक पसंद करते हैं, आप कोशिश आपको ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने फेस पे अप्लाई करना पसंद नहीं है, आपको अच्छा लगता है नेचुरल लुक प्लस आपको थोड़ा सा हाईलाइट लुक भी चाहिए, थोड़ा सा हाईलाइटेड होना है, तो आपको ना रेड कलर का ये जो डार्क रेड कलर है ना बहुत हेल्प करने वाला है। तो डार्क रेड कलर की लिपस्टिक हुई और डार्क हॉट पिंक कलर की लिपस्टिक, ये कुछ लिपस्टिक होती हैं जो आपके होनी ही चाहिए। न्यूड शेड भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो डार्क रेड कलर की लिपस्टिक आप अपने मेकअप किट में जरूर शामिल करिए और किसी भी आउटफिट के साथ मिनिमम मेकअप के साथ आप इसको लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही स्मार्ट सा लुक आए। और अब बात करते हैं आठवें लिपस्टिक शेड के बारे में, वो है वाइन कलर। जी हाँ, वाइन कलर आपको एकदम से ना बोल्ड लुक दे देता है। स्टार्टिंग के जो शेड थे, बाबू का भलका भलका है रोत हो, अरे मेरा कितुआ पितुआ चितुआ, अरे मेरा कितुआ पितुआ चितुआ, अरे मेरा कितुआ पितुआ। अगर आप अपने मेकअप लुक के साथ ना बोल्ड लिप्स रखना चाहते हैं तो हम वाइन कलर को आंख बंद करके पिक कर लीजिए। वाइन कलर के साथ ये भी अच्छा है कि आप वेस्टर्न के साथ, इंडरवेयर के साथ, किसी भी कपड़ों के साथ, किसी भी मेकअप लुक के साथ आप इस शेड को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट सा और बहुत ही बोल्डनेस, तो अगर आप बोल्ड लुक लेना चाहते हैं तो आप वाइन कलर को पिक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जहाँ हमने बात की आठ ऐसे लिपस्टिक शेड के बारे में जो हमारे पास होने ही चाहिए। किसी भी कपड़ों के साथ, किसी भी लुक के साथ आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट सा और क्लासी एक ग्लॉसी और हाइलाइटेड लुक निकल के आएगा। और ये जो शेड हैं ये हर स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं, इंडियन स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं, तो आपका कोई भी स्किन टोन हो आप इन लिपस्टिक को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा लुक दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।